माइक ठीक है सर। चलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुखबीर नैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार क्लास हब पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला। प्रतिशत हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस हम क्वेश्चन भी देख चुके हैं। उससे पहले बच्चों, दो मिनट में आपकी चाहूंगा, ये मत सोचना कि सर आप लेते हो हर रोज लेक्चर देने लग जाते हो। आज की जो बात रहेगी, आज की जो विषय रहेगा, भाई सच्ची बताऊं तो मेरी आत्मा तो बिल्कुल भी, मतलब ये कह नहीं सकता कि मैं खुश हूं आज के दिन में। हाँ, दो तीन दिन पहले मैं बहुत खुश था, बर्थडे वाले दिन भी। आज क्या था कि आज 14 फरवरी का दिन है दोस्तों। आप सब समझ गए होंगे जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, या जो मेरा विषय रहेगा वो आप लोग सब समझ गए होंगे। बहुत से हमारे देश में वैलेंटाइंस डे का मतलब प्यार करने वालों का दिन। दोस्तों ये सरासर बकवास बात है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखना, अपने जिस्म की भूख खत्म करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है। जिस भी ने भी बनाई होंगी, मैं खैर इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना ज्ञान है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग सोच के बताइए, हमारे माता पिता ने कभी प्यार नहीं किया क्या? हमारे दादा दादी ने कभी प्यार नहीं किया क्या? किया है भाई। और आज की जो पीढ़ी जितना नहीं निभा सकती, उस प्यार को उन लोगों ने निभाया है। आज तक भी वो एक साथ हैं, आज तक भी एक साथ है, अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये माहौल सिर्फ खराब करने के लिए होता है कि आज ये डे है, आज वो डे है। उम्मीद करता हूं कम से कम मेरे परिवार, जो क्लास हब परिवार के जितने भी मेरे साथी सहयोगी हैं, जितने आप विद्यार्थी हो, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखा होगा, उस चीज को देखा होगा जो पिछले साल हमारे साथ हुई थी आज ही के दिन। इसी वक्त की वो बात है, शाम की बात है। पुलवामा अटैक हुआ था पिछले साल, आज एक साल हो गया उन बातों को दोस्तों। और अगर आप लोग देश के प्रति, अपने आर्मी मैन के प्रति जो कुछ भी आपके दिल में श्रद्धा होगी, तो विश्वास है, मेरा उम्मीद है, दिन चला गया, पूरा बीत गया, मुझे नहीं पता क्या किया होगा किसी ने, लेकिन मेरे जो साथी हैं उन्होंने उन शहीदों को यहाँ पे अपने दिल में बैठाया होगा, ठीक है। और उनको याद एक बार तो आत्मा जरूर ये कहा होगा कि चलो ये हमारे लिए चले गए, सब कुछ छोड़ के अपना। कितने ही दिन हुए नहीं थे उनकी शादी को, कुछ भी नहीं, एक एक महीना, दो दो महीने के ऐसे थे। कुछ ऐसे थे हमारे भाई जिनके गुड़िया हो गई घर पे, वो चेहरा तक नहीं देख पाए अपनी बेटी का, और वो जो उनकी बेटी थी, उनकी माँ, उनकी पत्नी, वो तक उनका चेहरा नहीं देख पाई। एक बच्चा अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाया, एक पिता अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाया। वो है सच्चा प्यार दोस्तों। फिर भी जिए, आज भी जिंदा है उनके परिवार के लोग, इसी वजह से कि हमारा बेटा देश के नाम अपनी जान शहीद करके चला गया। एक ये जो हमारे वाले होते हैं कि मैं, तू आज तेरा कॉल नहीं आया, जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा मैं, ये प्यार सच्चा है? वो जो वो आर्मी मैन का प्यार सच्चा दोस्तों। बहुत इमोशनल हूं अभी बोल रहा हूं, तो समझ भी रहे हो कि फेस से भी पता चल रहा हो कि सर थोड़ा सा भावुक ज्यादा है, लेकिन ये विषय ऐसा है दोस्तों कि नहीं रहा जाता हमसे, ठीक है। आर्मी में मैं क्लास लेता हूं, आर्मी के बच्चों को भी टीच करता हूं साथ में। यकीन मानो दोस्तों, बहुत सुकून मिलता है इस चीज का, जब भी हम उनको पढ़ाते हैं बहुत सुकून मिलता है। पूछते हैं कि कैप सर आपने आर्मी की कैप डाल ली है, तो यही कारण है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा और कोई कारण नहीं है। हाँ, एक कारण ये है कि मैं थोड़ा सा बाल मैंने कटवाए हुए हैं, वो अलग इशू है, पहनने के लिए और कुछ भी बहुत होता है, एक खुशी मिलती है इसको पहन के। मैं ये नहीं कहता कि मेरे दिल में इतनी देशभक्ति भरी पड़ी है, ये भरी पड़ी, नहीं भरी पड़ी दोस्तों, लेकिन एक काम जरूर किया करो, कम से कम आपके आसपास में जो कोई भाई भी आर्मी में है, कम से कम उनके परिवार के साथ, जब भी उनके परिवार का कोई सदस्य बाहर आता जाता है, उनको राम राम जरूर किया करो, नमस्ते किया करो, आप देखना कितनी खुशी मिलेगी। जब आर्मी की गाड़ियां जाती थी, हम लोग छोटे होते थे तो बाय बाय कहते थे, फौजी गाड़ी टाटा, ऐसे ऐसे हम यूज करते थे। बच्चों कितनी खुशी मिलती होगी उन आर्मी मैन को जो दिन रात अपने परिवार से, अपने घर से, अपने प्यार से, अपने बच्चों से सबसे दूर बैठे हुए हैं। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करता हुआ, सबसे पहले एक या दो सेकंड का सिर्फ आप लोग एक बार फील करना उन भाइयों को, जो 40-44 जवान जितने मेरे शहीद हुए थे अपने देश के लिए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी सबसे पहले। और ये जो बलिदान दिवस है हमारा, बलिदान दिवस ही कहूँगा मैं तो, बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी थी। एक दो सेकंड के लिए आप लोग कम से कम फील करेंगे, अपनी आंखें बंद करके, वीडियो चल रही है चलने दीजिए, आंखें बंद करके उन भाइयों के लिए प्रणाम, और उनको सच्ची दिल से श्रद्धांजलि देनी है दोस्तों, और किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। मिलकर बोलेंगे सारे के सारे, मतलब बोलेंगे क्या, कमेंट में आना चाहिए सबका, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो सर पानी लेके आना थोड़ा सा। चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं भाई। देखो ये काम हमने करने हैं, हमारा जो काम है वो हमने करने हैं, और सिर्फ जो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके परिवार के लोगों के साथ आप लोग बातचीत किया करो, कभी मिला करो कि भाई कहाँ है ड्यूटी है भाई की, आजकल कब छुट्टी आओगा, ठीक है, आपस में वैर है दूसरे के, रहे जाना तो यार दुनियादारी को, ठीक है। सच्ची खुशी मिलेगी मेरे भाइयों दोस्तों, सच्ची खुशी मिलेगी आपको दिल से, करके देखना आप लोग ये बातें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं भाई। लाभ और हानि, लाभ और हानि। सबसे पहले देखो दोस्तों, लाभ और हानि जो होती है, हम सबको पता है लाभ कब होगा हानि कब होगी। दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? दोनों चीजें डिपेंड करेंगी क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। अब क्रय मूल्य क्या होता है जी? जिस मूल्य पर हम कोई रेट वस्तु खरीदते हैं, परचेज करते हैं, जो परचेज करते हैं, जिस भी हम कीमत पे कोई सामान खरीदते हैं परचेज करते हैं, उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। और लाभ हानि क्रय मूल्य पर डिपेंड होगी। कैसे होगी? ऐसे होगी कि मैंने कहा कि भाई मैं ये मार्कर ले आया 50 रुपए का, मैं ये मार्कर कितने रुपए का लेके आया दोस्तों, 50 रुपए का लेके आया, और अब मैंने कहा कि मैंने इसको बेच दिया 70 रुपए में, 50 रुपए में लेके आया, बेच दिया कितने में मेरे भाई? 70 में। आप लोग खुद बताओगे कितना बेनिफिट हुआ मेरे को? सर 20 रुपए का। कितना बेनिफिट हुआ? 20 रुपए का। ये जो 20 रुपए का बेनिफिट हुआ है बच्चे, ये 50 पे हुआ है 70 पे हुआ है? 50 पे भाई, मतलब मेरे घर से कितने लगे? 50, और 50 के ऊपर ही ये 20 का बेनिफिट, और परसेंट में चाहिए मतलब मल्टीप्लाई में 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कहूंगा मैं? 40% का। मेरी बात समझ गए? 40% का आपका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये था आपका बिल्कुल सिंपल सी चीज। अगर मैं कहा था कि मैंने 50 में खरीद के मैंने इसको 40 में बेच दिया, भाई कितने में बेच दिया? 40 रुपए में, मतलब मेरे को लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 का। ये लॉस किसके ऊपर हुआ? 50 के ऊपर सर, और मल्टीप्लाई में 100, मतलब कि जो मेरी हानि रही होगी कितनी रही होगी भाई? 20%। वो कितनी रही होगी दोस्तों? 20%, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपनी टाइप पे आते हैं। कम से कम 4-5 टाइप हम कवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, 4-5 टाइप हम कवर करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट डालें दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु का लिखो, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा गया भाई, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और उस वस्तु को 660 रुपए में बेचा, कितने में बेचा भाई? 660। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। जिस रेट में कोई वस्तु सेल की जाती है, बेची जाती है, वो होता है विक्रय मूल्य। कितने परसेंट का लाभ, सॉरी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? फटाफट से आंसर देना है, मतलब आंसर देना क्या समझो, आपने एक तो पहली बात बताऊं, प्रॉफिट लॉस का एक भी क्वेश्चन में आपको फार्मूला याद नहीं करना। कोई भी फार्मूला अगर आपके दिमाग में है, आपने रटने की कोशिश की होगी, उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि पूरा चैप्टर बिल्कुल ट्रिक पे चलेगा। ट्रिक का मतलब देसी तरीके से चलेगा भाई, बिल्कुल देसी तरीके से चलेगा, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी। तो एक बात मेरी आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी पेपर में क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई? क्रय मूल्य पूछा जाए, आप बिना सोचे समझे क्रय मूल्य मान लेना 100%। क्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने? 100%। कितना मान लिया बच्चे? 100%। देखो फ्रैक्शन मेथड भी मैं यूज करूंगा, 20% को अगर हम करें 1/5, तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये उसका लाभ हो गया, बीकी कितने में? 6 में। ये भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ये तो डिफेंस के आर्मी वगैरह के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन तैयारी करते हैं वो इस प्रकार से करो, बाकी मैं वो भी बताऊंगा सभी के लिए, ठीक है। तो 100% मान लिया भाई मैंने, अब बेचा मैंने 20% के लाभ पे, तो लाभ कमाया मैंने 20%।
तो एक बात बता दो, 100% में खरीद गए, 20 का मैंने लाभ कमा लिया, मतलब बेची मैंने कितने परसेंट में भाई? वाह 120%। मेरे भाई ये बात समझ पाए आप? कुछ भी नहीं है समझने वाली, 120%। और वास्तव में अगर मैं पूछूं तो क्या की बेची थी भाई मैंने? 660 की। कितने की बेची थी बच्चा मैंने? वो 660 की। तो मैं कह सकता हूँ 120% की जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी 660 के बराबर। 1% की वैल्यू क्या होगी बच्चा? बट 120 और 100 की क्या होगी भाई? मल्टीप्लाई में भाई सो। अब जैसे आप लोग इसको सोल्व करोगे, आराम से जीरो से जीरो कट गया, 12 पंजे 60 गुणा में 10 कर दिया, मतलब आया 550। तो मतलब वो वस्तु जो है वो कितने में परचेज करी थी मैंने भाई? 550 रुपये की खरीदी थी। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फ्रैक्शन मैथड से हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, फ्रैक्शन मैथड से कैसे कर सकते हैं भाई? देखो फ्रैक्शन मेथड से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 20% को मैं सोल्व करूंगा, परसेंटेज पूरा यहाँ पे यूज होगा, पूरा परसेंटेज यूज होगा। 20% का मतलब होता है 1/5। ये होता है वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ये होता है प्रॉफिट या लॉस, ये होता है प्रॉफिट या लॉस। तो 5 में परचेज की, 1 रुपये में क्या हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब वस्तु बिकी कितने रुपये में? 6 रुपये में। वस्तु कितने रुपए में बिकी? 6 रुपए में। और वास्तव में बिकी थी वो 660 रुपए की भाई। वास्तव में कितने की बिकी थी? 660 रुपए की। तो मैं कह सकता हूँ 6 की जो वैल्यू होगी वो 660 के बराबर होगी, 1 की जो वैल्यू होगी बटे 6, और 5 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे इसको, आपका आंसर आएगा 550 रुपए। आंसर क्या होगा? 550 रुपए। समझ पाए इस क्वेश्चन को? तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी समझ गए हो और मैंने 100% वाला भी समझा दिया। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई से भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लेता हूं यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ग्रो करता हूं मैं। इसी टाइप का है, टाइप यही रहेगी आपकी, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं। मैंने कहा कि मैंने किसी वस्तु को बेच दिया भाई 12.5% के प्रॉफिट में। कितने प्रॉफिट में भाई? 12.5% के प्रॉफिट में वस्तु को बेच दिया, और मैंने उस वस्तु को एक्चुअली में बेचा है 810 रुपये में। 810 रुपये में पूछेगा उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें भाई। ठीक है, 100% कर सकते हो, 100% कर लो। फ्रैक्शन मेथड देखो, 12.5% का मतलब इसको हमने फिनिश किया बटे 10, और इसको हमने फिनिश किया तो मल्टीप्लाई में 1/100। अब जैसे ही सोल्व किया, 25 पंजे 25 चौके 5 5 5 2 10, मतलब आया 1/8। मतलब परचेज कितने में किया मैंने? 8 में। प्रॉफिट कितना कमाया मैंने? 1 रुपये का। बेचा कितने में? 9 में। वास्तव में बिकी 810 में, तो 9 का मान किसके बराबर होगा? 810। 1 का मान क्या होगा? बटे 9। और 8 का मान क्या होगा? मल्टीप्लाई में 8। जैसे ही सोल्व करोगे, 9 8 72 720 कर पाओगे? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ता हूँ भाई, टाइप नंबर 2 करता हूँ मैं। इसी प्रकार से अगर लॉस होगा तो आप उसमें से माइनस कर दोगे। अगर मैंने कहा होता कि मैंने इसको हानि पे बेच दिया, और मैंने कहा इसको 910 रुपये में बेच दिया भाई, 910 में सेल किया, और मेरे को लॉस हो गया, हानि हो गई, 12.5% की क्या हो गई? 12.5% की हानि हो गई। तो क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब फिर से 8 में खरीदा, 1 की यहाँ पे क्या हो गई इस बार? हानि। तो वस्तु बिकी कितने में मेरी? 7 रुपये में। 8 की परचेज की, 1 की हानि, वस्तु बिकी 7 में। अब 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 910 के बराबर। 1 की वैल्यू क्या होगी? बटे 7, और क्रय मूल्य था 8, तो मल्टीप्लाई में 8, 13 7 91 और 13 8 104। तो मतलब फिर हमारा आंसर कितना होता? 1040 रुपये। आंसर क्या होता है? 1040 रुपये। कर पाओगे? जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं भाई, टाइप नंबर सेकंड। इसमें जो टाइप सेकंड होगी, वस्तु को 2 बार बेचा जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेना कि जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, 2 बार उसको बेचने की बात कही जाए, जब वस्तु को 2 बार बेचने की बात हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा किसी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा गया, 40% की हानि पर बेचा गया बच्चे, और उस वस्तु को बेचा जाता है टोटल 1080 रुपये में। 1080 रुपये में। तो कहता है अगर मैं उसे 25% का लाभ कमाना होगा, 25% का मैं लाभ कमाऊंगा, तो बच्चा उसे कितने रुपए में बेचूंगा?
उसे कितने रुपए में बेचूंगा, मतलब उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा भाई। देखो ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब कुछ बच्चे फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे, कुछ ट्रिक वगैरह लगाएंगे, कुछ नहीं लगाना, एक बार सिर्फ ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ लोगे, दो बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कोई मेथड की। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ भाई। मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100%। अब मैंने कहा जी मैं तो 100% में खरीद के ले आया हूँ कोई चीज़, ले आया भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, बेच दी वो 40% की हानि पे। कितनी हानि पे बेच दी, बच्चा ध्यान से समझना, 40 का नुकसान हो गया मेरे को। मतलब एक बात बताओ, मैं 100% में लेके आ रहा, 40 के हो गया मेरे को नुकसान, मतलब मैंने बेची कितने में, वो 60% में। ये बात तो आप लोग मान गए मेरी, सर ठीक है 100% के लेके आए थे, 40 का नुकसान हो गया, बेच दी 60% में। अब मैं चाहता क्या था, अगर मान लिया मैंने चाहा कि भाई 25% का लाभ अगर मैं कमाना चाहूँ तो कितने में बेचना चाहिए, तो अगर मैं 25 का लाभ कमाऊंगा तो वही वस्तु मेरी कितने परसेंट में बिकनी चाहिए, 125% में। ये बात भी समझ पाए या नहीं समझ पाए, समझ पाए सर। मान लिया 100% में खरीद के लेके आया, 40% की हानि पर बेचा, मतलब मैंने उसको 60% में बेच दिया। अगर मैं 25 का लाभ चाहता, अगर 25 का लाभ चाहता तो वस्तु 125% की बिकती। क्लियर है ये बात, ठीक है सर क्लियर है। तो अब यहाँ पे तो 60% की बिकी वस्तु, यहाँ पे कितने में बिकेगी, यही तो पूछ रहे ना कितने में बिकेगी। तो मैं कहूँगा 60% की जो वैल्यू है वो 1080 के बराबर है, क्योंकि ये बिक चुकी है 1080 में और ये बिक चुकी है 60% में। बात तो सेम है। तो बच्चा मैंने कहा 60% की जो वैल्यू है, सर देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है, मतलब 1080, 1% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बटे 60, और 125 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, मल्टीप्लाई में 125। अब जैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे इसको, 18 से जाएगा और 18 के 125 की मल्टीप्लाई कर देना, 18 5 90 9 18 36 और 9 45 4, 18 18 और 4 22, तो 2250 रुपये में बिकती। अगर उस वस्तु को मैं 25% के लाभ पर बेचना चाहता तो बच्चा वो कितने की बिकती, 2250 रुपये की। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम करते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का। सेकेंड टाइप है जब उसको दो बार बेचा जाता है, दो बार किसी वस्तु को बेच दिया जाता है भाई। ठीक है, दो बार में से मतलब बेचा तो एक ही बार जाता है, वो दूसरी बार जो कंडीशन होती है ना वो सिर्फ कल्पना की जाती है कि अगर मैं काश ऐसा कर लेता तो ये हो जाता। ठीक है, कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिया मैंने, किसी वस्तु को मैंने 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया, और मैंने भैया उस वस्तु को बेचा 720 रुपये में। कितने रुपये में बेचा, 720 रुपये में। अब बताओ अगर मैं उस पे, अगर मैं उस पे 45% लाभ कमाना चाहता तो वस्तु में कितने रुपये में बेचता, फटाफट से आप लोग करते चलेंगे या इस क्वेश्चन को भी समझेंगे। ठीक है, मान लिया कितने में खरीद के लेके आया, 100% में। रियल कंडीशन क्या हुआ, बेची मैंने कितने में, 20 के लाभ, मतलब मेरी वस्तु बिकी 120% में, वस्तु बिकी 120% में। अब चाहता हूँ 45, मतलब बेचना चाहता हूँ उसको 145% में, बेचना चाहता था, कल्पनात्मक है ये कंडीशन, ये सिर्फ कल्पना है कि ऐसे कर लेता तो ये हो जाता भाई, और ये है आपका रियलिटी, ये है वास्तविकता। ठीक है, वास्तव में बिकी 720 की और वास्तव में 120% में, तो 120% की जो वैल्यू है बच्चा वो 720 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि एक की वैल्यू क्या होगी तो 720 बटा 120, और अगर मैं कहूँ 145 की वैल्यू क्या होगी तो मल्टीप्लाई में कर दूँ 145 भाई, ये कट गया डायरेक्ट 6 पे, 6 5 30 3 24 और 3 27 2 6 2 8, आंसर आया 870, आंसर आया आपका 870। ठीक है, कर पाओगे आराम से, दूसरी टाइप समझ में आई अच्छे ढंग से, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, अब लेते हैं टाइप नंबर 3, करते हैं टाइप नंबर 3। और मैंने जैसे कि अनाउंस किया था कल वाली क्लास में भी और उससे पिछले वाली क्लास में भी मैंने अनाउंस किया, हाँ उससे पीछे अनाउंस किया था शायद, तो कि हम 15 क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर के, जिसमें से 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 15 क्वेश्चन, जब आप 15 के 15 जो अच्छे से मैं करवाऊंगा वो समझ पाओगे तो उससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा 1% भी, समझ रहे हो ना। इतने दावे के साथ मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो टाइप्स बनती हैं वो मैं सारी के सारी आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है ये। अब इसके जैसे मैं 2 या 3 क्वेश्चन करवा दूँ तो वो एग्जांपल होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो टाइप बनेगी मैं आपको टाइप वाइज करूँगा, और अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो दोस्तों बहुत अच्छे नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे मैथ के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अब टाइप नंबर 3 शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप नंबर
इसी जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इसी जैसा थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। टाइप नंबर तीन, क्वेश्चन क्या लिखा, मैंने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, 20% की हानि पर वस्तु को बेच दिया भाई, बेच दिया। अगर मैं उसको 200 रुपये अधिक में बेचता, 200 रुपये अधिक में बेचता, 200 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ हो जाता, तो 20% का लाभ हो जाता। बताएं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उम्मीद करता हूं स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा क्वेश्चन का साथ के साथ ही। किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है, यदि उसको 200 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता, तो बताइए भाई क्रय मूल्य क्या होगा। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जब भी क्रय मूल्य पूछेगा आप उसको मान के चलोगे 100%। क्या मान के चलोगे बच्चा, 100%। देखिए करते हैं क्वेश्चन। मान लिया मैंने उसको परचेज किया 100% में, कितने में, 100% में। अब वही दो कंडीशन आई, एक असलियत और एक फेक, एक ओरिजिनलिटी और एक गलत। इसमें क्या कि 20% की हानि पर बिकली वस्तु, मतलब 100% की लेके आता तो वो कितने में बिकली वस्तु भाई, 80% में जा चुकी है वस्तु, बेची जा चुकी है। अब वो सोचता कि काश अगर मैं ऐसा कर लेता कि काश मैं 200 रुपये अधिक में बेचता तो ये 20% का हानि नहीं होती बल्कि बदले में 20% का लाभ होता, तो मतलब वो वस्तु वास्तव में कितने की बिक सकती थी, 120 की बिक सकती थी। अगर मैं उस 200 रुपये कस्टमर से ज्यादा ले लेता तो यही वस्तु कितने की बिक जाती, 120% की। अब वास्तव में कितने की बिक रही है, 80% की, फिर कितने की बिक जाती, 120% की। बच्चा कितने परसेंट का डिफरेंस आया, 40% का। कहोगे सर 40% का, कितना डिफरेंस आया, 40% का। और वास्तव में वो डिफरेंस किसके वजह से आता, 200 रुपये की वजह से आता। तो मैं कह सकता हूँ कि 40% की जो वैल्यू हो किसके बराबर होगी, 200 के बराबर होगी। एक की जो वैल्यू होगी वो 200/40, और क्रय मूल्य हमने 100 मानना था तो मल्टीप्लाई में हम 100। तो बच्चे वस्तु कितने रुपए की होगी, वो 500 रुपये का उसका क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, 500 रुपये। समझ पाए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, सेम टू सेम, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं मैं, ठीक है। मैंने कहा किसी वस्तु को मैंने बेच दिया 40% की हानि पे, 40% की हानि पे बेच दिया। अगर मैं उसको 800 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता। या लाभ की बजाय भी छोड़ दो, मैंने कहा कि 20% की हानि होती, लाभ वाली कंडीशन हमने पीछे ले लिया था भाई, ठीक है। मैंने कहा किसी वस्तु को 40% की हानि पर बेच दिया दोस्तों, अगर मैं 800 रुपये अधिक में बेचता तो हानि 20% की होती, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन, देखिए भाई, मान लिया कितना था उसका क्रय मूल्य, 100%। क्रय मूल्य कितना था भाई, 100%। 40 की हानि पे बेच दिया, एक ओरिजिनल कंडीशन एक फेक कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन है 40 की हानि हो चुकी, मतलब वस्तु मेरी जा चुकी है कितने रुपए में, 60 रुपए में, कितने, 60% में। अब अगर कहता है कि मैं 800 रुपये ज्यादा लेता कस्टमर से तो 20% की हानि होती, बच्चा फिर ये वस्तु कितने की जाती, फिर कितने की जाती, ये 80% की। समझ पा रहे हो, अगर 20% की हानि होती है तो ये वस्तु जाती है 80% में। मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस आया भाई वो कितने परसेंट का आया, 20% का। और ये 20% का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया, 800 रुपये की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ 20% की वैल्यू आएगी 800 के बराबर, 1 की वैल्यू बटा 20, और 100 क्रय मूल्य था 100। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अगर मैंने क्रय मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य पूछ लिया होता, क्रय मूल्य की बजाय मैंने विक्रय मूल्य पूछ लिया होता तो क्या करते, क्रय की बजाय अगर मैंने विक्रय पूछ लिया था तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता भाई। पता है सर आपने बताया था क्रय मूल्य 100 मान लिया हमने, वास्तविकता क्या है 60%, मतलब वस्तु बिकी कितने में है, 60 में। तो यहाँ पे 100 के स्थान पे क्या रख देंगे सर, हम 60 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा क्रय मूल्य ही पूछता है, लेकिन अगर कंफ्यूज करने के लिए वो विक्रय मूल्य पूछ ले तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना कि हम कर क्या रहे हैं। ये 100 तो क्रय मूल्य मानना था हमने, ठीक है। अगर विक्रय पूछेगा तो बच्चा 80% नहीं होगा विक्रय, ये तो फेक कंडीशन है, ये तो काश कहीं ऐसा होता, ठीक है, काश तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 60 रख देंगे भाई, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे 100, 800 गुना 5 करो बच्चा कितना आएगा, 4000।
4000। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं फिर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पी लेता हूँ एक बार। तो ये हो गई आपकी टाइप 3। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई, 4 नंबर टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप मैं आपको है ना मेरे वाले मेथड से ही बताऊंगा और जो मैथमेटिकल वाला तरीका है वो ही बताऊंगा। मेरा जो मेथड है वो बहुत बिल्कुल देसी मेथड है भाई, एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, देसी मेथड है। और अगर आप लोग मैथ से करोगे तो मैथ्स वाला भी आसान है, दोनों आसान मेथड है। ठीक है, देखो मैथ्स वाले में हमने थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, देसी में कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, देखो मैंने कहा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी पिछले दिनों में भी काफ़ी बार पूछी गई, ये तो खैर फेवरेट रहता है क्वेश्चन, हमेशा आता है क्वेश्चन नंबर 4 यानी टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 मैंने कहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो बताओ कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। ठीक है भाई, पहले मैथ्स वाला तरीका लेते हैं उसके बाद फिर मैं देसी तरीका बताऊंगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 10 का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 10 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 का मतलब मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, 10 का कॉस्ट प्राइस 10 का क्रय मूल्य बराबर 8 का विक्रय का मैंने गुणा विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको नीचे लिया सीपी बटा एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, तो इधर क्या था 8 और ये 10 कहां चला जाएगा नीचे। मतलब बच्चा क्रय मूल्य आया 8, विक्रय मूल्य आया 10, मैंने वस्तु खरीदी 8 रुपए की, बेची मैंने 10 रुपए की, 8 रुपए में खरीदी 10 रुपए में बेची, मतलब कि कितना बेनिफिट हो गया 2 रुपए का, कितना लाभ हो गया 2 रुपए का। और ये 2 का लाभ कितने के ऊपर हुआ है भाई 8 पे, मल्टीप्लाई में करूंगा 100 क्योंकि परसेंट में चाहिए। आंसर आया मेरा 25%, आंसर कितना आ गया भाई 25%। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिकल तरीका, बहुत इजी है ये भी बहुत आसान है। अब जो देसी तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, उससे पहले मैं एक थोड़ी सी और बात बताऊंगा आपको कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य होता क्या है, हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जो वस्तु हम बदले में देते हैं, जो वस्तु हम बदले में देते हैं वही तो हमारा क्रय मूल्य होता है ना। अब मैंने मार्कर खरीद लिया 50 रुपये में, बदले में मैंने 50 रुपये दे दिए तो कहा कि ठीक है ये उसका प्रिंट हो गया, इसका जो रेट हो गया। अगर मैं कहता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मान लीजिए मैं कैप रख दी, ठीक है भाई कैप आप कुछ देर के लिए रख लो जब तक मैं पैसे लेके आऊँ, तो इस मार्कर का जो क्रय मूल्य होगा वो एक कैप होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा मेरे पास घड़ी है भाई, पैसे नहीं है अभी, घड़ी है तो मेरी घड़ी रख लो, घड़ी ले लो और मार्कर दे दो। तो मतलब जो वस्तु हम देते हैं ना वही तो क्रय मूल्य कहलाता है, वही क्रय मूल्य होगा ना उसका। हाँ, अब जिस तरह एक अपना गम्मा में आएगा जो सब्जी बेचने वाला आकर है ना, जो सब्जी बेचने वाले आकर गम्मा में, कई बार क्यों है अपना जो चाची ताई है वो पैसे नहीं देती, गेहूँ दे दे बदले में, पूछे टमाटर के रेट कह दी कणक के बराबर दिए, गेहूं के बराबर दिए, तो आप क्या करें 1 किलो टमाटर ले लें, 1 किलो गेहूं दे दें, तो उस टमाटर का जो 1 किलो टमाटर का जो क्रय मूल्य है वो 1 किलो गेहूं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इससे बेसिक एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। अब देखो तो इसमें आपने एक काम करना है, फटाफट से देखो 10 वस्तुओं का क्रय, अब मान लिया ये हो गया अपना घर, ठीक है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य ने छोड़ दो क्योंकि मूल्य की बातें खत्म, क्योंकि आपने तो सामान का बदले में सामान दिया है भाई, मूल्य ने छोड़ दो 10 वस्तुओं का क्रय, मतलब क्रय का मतलब अपने घर पे आना किसी चीज का। मैं कह मैं क्रय करके लिया 2 किलो सेब, तो घर में कितने सेब आए 2 किलो। मैं कह भाई 10 मण गेहूं खरीद लिया, तो घर में कितनी गेहूं आई 10 मण। तो 10 वस्तुओं का क्रय मतलब घर पे आएगी भाई 10 वस्तु, बदला में क्या क्रया 8 वस्तुओं का विक्रय, घर आता गई कितनी बेच दी कितनी 8। सोचने की बात है, रिलैक्स होकर सोचियो क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करने पड़े पेपर में। फिर कहता भाई 10 का करे मतलब घर आएगी 10 और घर से गई कितनी 8। अच्छी आई माड़ी आई, अच्छी गई माड़ी गई उसने भूल जो 10 आई है 8 घर तक गई है, नुकसान होया या लाभ हुआ
लाभ हुआ भाई, आठ गई बदलम दस आएगी, मतलब दो का फायदा हो गया भाई, दो का लाभ हो गया। ठीक, करे मूल्य नीचे, मतलब जो अपन देवेंगे, अपन ने कितनी वस्तु दे रखी है, आठ दे रखी है भाई, नीचा होगा आठ। ये एक बात इतना ध्यान रख लियो, नीचे वो होगा जो हम हमारी तरफ से देते हैं, जो हम हमारी तरफ से देते हैं वो नीचा होगा, और परसेंट चाहिए तो गुणा में भाई सौ। उत्तर कितना आएगा अपना, 25% लाभ, 25% लाभ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये मेथड समझ में नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको रिपीट क्या करता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, उससे समझोगे मेरी बात। करेगा का मतलब याद रखियो, घर चीज आई, विक्रय का मतलब घर आता चीज गई, बस इतना सा समझ लेना आप लोग भाई। ठीक है, देखो मैंने कहा 10 सेबों का करे मूल्य, मूल्य 8 संतरों के विक्रय के बराबर है, 8 संतरों के विक्रय, ये तो क्वेश्चन सेम वही हो गया, अपोजिट कर लो, 8 सेबों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। मतलब देखो 10 सेबों का क्रय है, क्रय कितना करे 8, कितनी सेब आई भाई 8, बदला में क्या करे 10 संतरों का विक्रय, संतरे कितने दिए 10। मान लिया रेडी लगा रखी है, एक भाई ने सेब की, एक ने आपने संतरे लगा रखी है, क्योंकि आपने कितने सेब लिए 8, अपने पास आई 8 वैल्यू, गई कितनी 10, 10 अपन उससे दिए, 8 आई है 10 गई है, नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया भाई 2 का जी, नीचा में ऐसा वो जितनी गई है, कितनी गई है अपना दुर्त है 10 मल्टीप्लाई में 100 तो उत्तर आया अपना नुकसान हो गया 20% की हानि, 20% की हानि। समझ गए मेरी बात को, एक एग्जांपल और लेते हैं बस इसका फटाफट से। एक देसी सा एग्जांपल लेता हूँ भाई, जैसे मैंने आर्मी वाले बल खाता समझाया था ये, ठीक है तो आप लोग भी बताना क्या आएगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया भाई, किसी ने तारा 4 थप्पड़ मारे, किसी ने तारा 4 थप्पड़ मारे, ये तामे हूँ मैंने लिया 4 ठोके भाई तारा, यो अगला भाई तम ने इसके 5 ठोके, देसी सा एग्जाम्पल है, इसने तारा 4 थप्पड़ मारे, तम ने इसके 5 थप्पड़ मारे, कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई तुमको भाई, मतलब ये हम हैं, ये आगे वाला है कोई दूसरा है, ठीक है। इसने अपना 4 थप्पड़ मारे, अपने 5 थप्पड़ मारे, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, देसी तरीका जिसने आगे समझ जाए, करे विक्रय इसमें कोई लफड़ा है नहीं, थपड़ाएगा करे होता, थपड़ाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब बताओ क्या मतलब, कुछ बच्चे कहेंगे कमेंट पर बड़े जबरदस्त आने लगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अपना फालतू मेरे फायदा लाभ होया जी 25% का लाभ, बहुत से बच्चे उत्तर आया 25% का लाभ, क्योंकि अगला ने 4 मारे तो 5 मार रखे हैं, लेकिन ये मन ने कहा था अपना द्वारा कितनी चीज आई और कितनी अपना अगला दे बदले में दी, अपने द्वारा कितनी चीज आई भाई 4 थप्पड़ आए भाई, बदले में दिए कितने अपना अगला दे 5 मतलब अपना द्वारा तो 1 थप्पड़ फालतू गया, आए 4 गए 5 नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, बिल्कुल नुकसान हो गया भाई, 1 थप्पड़ का नुकसान हो गया, मतलब एक ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, अपने एक फालतू मरना पड़ा, तो मतलब जितने गए हैं, गए कितने अपना दौड़ता है 5/5 और मल्टीप्लाई में 100 भाई, तो 20% की होगी भाई आनी होगी रे, याद रखियो इस बात ने, जे किसी का फालतू मर गया हुए तो आनी होगी, लाभ नहीं होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भाई, समझ पाए, मतलब यहां से 4 वस्तुएं आई, हमने 5 वस्तु दी बदले में, तो 1 वस्तु ज्यादा गई, मतलब 1 का हमें नुकसान हो गया, बटे में जितनी हमने वस्तु दी मल्टीप्लाई में 100। अब तो देसी तरीका समझ में आ गया शायद, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टाइप भाई, एक भाई कहो जी तसल्ली तो दोया में भी हो जाए। बिल्कुल हो जाए भाई तसल्ली, फिर इसी तसल्ली क्या ना करो, क्यों किसी पर खाया क्या और क्यों किसी का मर गया हो भाई, कोई अच्छी बात को नहीं आ रही है, ठीक है। चलो देखो अगली टाइप लेते हैं भाई, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप आते हैं टाइप नंबर 5, ठीक है, और ये लास्ट टाइप हाज की, ठीक है, ज्यादा टाइप हम नहीं करेंगे, 5 टाइप बहुत हो जाती है। 15 क्वेश्चन बताया था, 3 दिन में फिनिश कर देंगे इसको, चौथे दिन फिर पिछले 2 साल के सारे लेके आऊंगा प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। पांचवी टाइप आती है, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीदता है, 10 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीदता है भाई, खरीदी वह 8 रुपए में 10 की दर से बेचता है, ठीक है।
कहता है कोई व्यक्ति 10 रुपए में 8 की दर से वस्तु खरीद लेता है और 8 रुपए में 10 की दर से वस्तु को बेच देता है, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, आपने इसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो बच्चा जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हम जो वस्तु है ना उसको सेम कर लें, वस्तु की वैल्यू हम बराबर कर लें, कहीं भी कर लें। अब मैं बताता हूँ दोनों ही तरीके आपको। ठीक है, पहला तरीका क्या है भाई, ठीक है 10 रुपए में वस्तु कितनी थी, यहाँ पे 8 वस्तु आई और 8 रुपए में बेची कितनी, यहाँ पे मैंने लिख दिया रुपए, यहाँ पे मैंने लिख दी वस्तुएं, 8 रुपए में 10 ये हमने बेच दी। अब 8 वस्तु देखो खरीदी कितनी थी हमने, 8, बेची कितनी हमने 10, तो इसको इक्वल करोगे तो मैं इसको कहूँगा इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा कर दो। अगर थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, इसको मैंने 5 से गुणा किया, इसको मैंने 4 से गुणा किया, तो ये हो गया 40। ये 5 से गुणा हो तो ये भी मतलब 50 रुपये की खरीद के लाई, इसको 4 से किया तो ये भी 4 को मतलब 32 रुपये की बेच दी। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। 50 की खरीद के लाई, 32 की बिकी, कितना नुकसान हो गया बच्चे 18 का, किसके ऊपर हुआ 50 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 18 × 36% की हानि, 36% की हानि। आई बात समझ में, मतलब एक तो ऐसा केस होगा जहां पे हम वस्तुओं को बराबर करेंगे भाई। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो ठीक है 5 से कर दिया, इसको 4 से कर दिया, 10 × 4 = 40 हो गया और 8 × 5 = 40, अब मतलब ये भी कितना हो गया अपना 40 वस्तु, यहाँ पे वस्तु कितनी है अपनी 40 वस्तु बराबर होगी, मतलब उतनी खरीदी सारी की सारी बेच दी। अब इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से किया, मतलब ये 50 रुपये में आई थी, इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से, मतलब 32 रुपये की बिकी है। ठीक है, लेकिन इस मेथड के बजाय आपको एक दूसरा मेथड ज़्यादा फॉलो करने के लिए कहूँगा कि आप उससे ज़्यादा करो, है इसी प्रकार का। एक साइड लिख दिया हमने रुपए 10 के 8 वस्तु, एक साइड रुपए, एक साइड वस्तु में, और 8 रुपए में कितनी थी भाई 10। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 10 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 10 कितना आ गया 100, और ये हमेशा आपका CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और 88 64 ये हमेशा आपका विक्रय मूल्य होगा भाई। मतलब याद रखना नीचे दो वैल्यू आऊंगी, पहले वाली विक्रय मूल्य होगा, लास्ट वाली क्रय मूल्य होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, कभी इसने क्रय कर दो और इसको विक्रय कर दो, गलत मत कर देना मेरे भाई। ठीक है, लास्ट में जो आएगा वो क्रय मूल्य होगा, आगे जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा। अब क्रय आप इतना सोच सकते हो 10 रुपये में 8 वस्तु खरीदी, तो सबसे पहले तो आपने 10 रुपये दिए ना, चारों लाइन चारों अक्षर लिख दिए मैंने, सबसे पहले 10 रुपये आपने खुद दिए, मतलब हमने वस्तु पहले खरीदी है, तो 10 के साथ जो जोड़ा बनेगा वो आपका क्रय मूल्य होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और अब देखो 100 में खरीद ले 64 की बिकी, कितनी आनी होगी भाई 36 की, किस पे 100 पे, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में 100, तो आंसर आएगा 36%। इस मेथड को आप लोग फॉलो कर लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन बोलता हूं भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। राम ने कुछ वस्तुएं 40 रुपये में 20 के हिसाब से खरीदी, ठीक है, और 30 रुपये में 18 के हिसाब से बेच दी, 18 के हिसाब से बेचा, बताइए लाभ या हानि परसेंटेज क्या हुआ। तो सीधा है दोस्तों, सीधा करते हैं हम डायरेक्ट, आर पार गुणा कर लेते हैं इसकी। ठीक है, 18 × 72 मतलब 720 में परचेज किया और मल्टीप्लाई में 600 के उसको बेचा, 720 में खरीदा 600 में बेचा, मतलब ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, 720 की लेके 600 की बिकी, सबको पता है कितना नुकसान हो गया भाई 120 का। कुछ बच्चे यहाँ पे 600 करेंगे, लेकिन 600 नहीं करना भाई, नुकसान और लाभ दोनों ही क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब नीचे आएगा आपका 720 और परसेंट में चाहिए तो गुणा में 100। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे 50/3, ये सबको पता है कितना होता है भाई 16 / 2/3%, इसकी क्या हो जाएगी भाई हानि हो जाएगी, कर पाओगे तो ठीक है। बहुत अच्छे से मेरे ख्याल में समझ गए होगे सारी की सारी टाइप्स। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं हम टाइप्स का, फटाफट से जो 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 हमने आज किया है क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले जो टाइप मैंने दोस्तों आपको बताई थी, सबसे पहले टाइप बताई थी आपको सिंपल क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय विक्रय मूल्य ज्ञात करना। सेकेंड टाइप करी थी हमने कौन सी, जब वस्तु को दो बार बेचने की बात हो, कि भाई चाहता है कि पहले वस्तु को इतने में हानि में बेचा गया, अगर इतने परसेंट लाभ चाहता है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, समझ पाए मेरी बात को। ठीक है, थर्ड जो टाइप हमने की थी
वो की थी कि भाई इतने परसेंट में वस्तु बिक चुकी है, अगर इतने रुपए अधिक या कम लेता तो उसको इतने परसेंट का लाभ या हानि हो जाती। इस प्रकार से था, अधिक और कमी वाला क्वेश्चन था, दोनों परसेंटेज की वैल्यू को इस अधिकता के बराबर रख देना था, ठीक है। और जो फोर्थ टाइप हमने की थी वो करी थी भाई आदान प्रदान वस्तुओं का, कुछ देर पहले आदान प्रदान चल रहा था ना भाई, 4-5, ठीक है। और पांचवी जो टाइप करी थी बच्चे वो हमने अभी की है कि किसी दर से वस्तु खरीद लेना, किसी दर से खरीदना और किसी दूसरी दर से बेचना, दूसरी दर से बेच देना भाई, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों, इन पांचों को अगर आप लोग अच्छे से कर पाओगे तो मैं इतनी उम्मीद बताता हूँ आपको, एक बात जरूर बता देता हूँ कि जो डिफेंस वगैरह का जो आपका एग्जाम रहेगा, डिफेंस का जो एग्जाम रहेगा आर्मी के लिए तो खैर बहुत है ना फैये, ठीक है। और जो बच्चे एयरफोर्स वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे, तो उनको कुछ एक टाइप कल वाले भी आप लोग सीख लेना। बाकी जो मेरे भाई हैं जितने भी जो भी अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो इस कंप्लीट लेक्चर को ही देखना ना भूले, मतलब कंप्लीट ये जो टॉपिक जब पूरा हुआ तभी आपने क्विट करना, ये मत सोचना कि ठीक है हो गया काम चल गया। आपके लिए सिर्फ तीसरा हिस्सा हुआ है, 1/3 हुआ है, पांच टाइप कल की और दो से तीन टाइप जो बचती हैं वो परसों वाले लेक्चर में, और उसके बाद साथ के साथ वो भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो पिछले दो सालों में प्रॉफिट लॉस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि एक सच्ची श्रद्धा सच्ची देशभक्ति रखना रक्षा करो दोस्तों अपने, जो अपनी आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों ही जो अपने डिफेंस हैं, तीनों के तीनों ही हमारे लिए, हम जो कुछ भी यहाँ पे बैठे हैं चैन की नींद सो रहे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत है दोस्तों। तो रिस्पेक्ट जरूर किया करो, ठीक है। और साथ में जो भाई आर्मी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि भाई बहुत बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ये मत सोचना कि भाई पेपर बहुत ईजी आता है, मानता हूँ पेपर ईजी आता है, आता रहेगा, लेकिन वो जो स्टेमिना है, जो वहाँ पर रहने की जो इच्छा शक्ति है, दिन रात वहाँ पर रहना बहुत बड़ी बात अपने आप में दोस्तों। और ठीक है, अभी हम कल बात करेंगे बाकी जो हमारा चैप्टर है। एक बार फिर से आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और दोस्तों क्लास को शेयर, तो वही बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जो हो रहा चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से जय हिंद, और उन सभी दोस्तों को जो मेरे भाई जो शहीद हुए हैं पिछले साल आज ही के दिन, उनके लिए फिर से श्रद्धांजलि सच्चे दिल से, और उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो बहुत जहाँ भी हैं स्वर्ग में है वो अच्छे से रहें अपने, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय सेना।